अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा फ्रेंड, आज आपके लिए लेके आए हैं वीडियो जो तुर्की से ग्रीस आते हैं बल्गारिया की तरफ से। तो उनके जब पकड़े जाते हैं तो उनके साथ क्या सलूक होता है, क्या बिहेव होता है, वो क्या उनके साथ सलूक करते हैं, तो वो आपको आगे वीडियो में दिखाया जाएगा। तब तक आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं वीडियो के बाद। अल्लाह हाफिज़। लो बेचारा मरिया पे, पिंजर पिंजर कुछ नहीं बचा। वाद तो वाद हल तक भाई नू 1.5-2 महीने, क्योंकि हल तक मासूम नहीं तरह हड्डा। वाद तो वाद भाई 2-3 महीने। चलो Bulgar kafine dalay. Nu am tot ce mai destul. Uite ăla de stă izolat acolo, încerca să fugă. În stânga pe acolo. तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने वीडियो देखी है, वीडियो में आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करते हैं, डॉगी पीछे छोड़ देते हैं। वैसे भी पकड़े जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं डंकी लगाने का, बहुत ज़्यादा जलील होना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि लीगल तरीके से डंकी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जान सभी भाइयों को प्यारी होती है, जान सभी को प्यारी होती है अपनी, तो डंकी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि लीगल तरीके से वो सबसे बेटर रहेगा। तो इंशाल्लाह मुझे अब दे इजाज़त, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।